हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड यू आर फिट एंड हेल्दी। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ आवर वोकैब डोज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। सो फर्दर हम इसमें हम देखेंगे कुछ और न्यू वर्ड्स जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आपके इंग्लिश नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपने इन वर्ड्स को सही से इस्तेमाल कर लिया, सही से समझ लिया और पूरे वर्ड्स को रिटेन कर लिया दिमाग में, देन डेफिनेटली आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको भी ज़रूर देखें, ठीक है। उसको मैंने वोकैब वाले प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जा करके उनको देख सकते हैं और बिल्कुल उस वीडियोज़ के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं और वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लगभग मैंने 150 to 160 के अराउंड वर्ड्स जो है डिस्कस कर दिया है। तो आप उसको उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन वीडियोज़ में हम धीरे धीरे अपनी वोकैब को रोज़ बढ़ाएंगे और ये देखने के बाद सीरीज आपको डेफिनेटली इंग्लिश से डर लगना बंद हो जाएगा। बिकॉज उसके बाद क्या होगा कि आपको जो भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा और डेफिनेटली आपका अंदर का जो डर है इंग्लिश का, दैट विल बी रिमूव्ड। ओके, सो स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ कंपैशन। सो पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और ध्यान से वीडियो को देखते हुए सुनना है, जिससे कि हर एक वर्ड जो है आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, पिक्चर एकदम बैठ जाए। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ कंपैशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैशन? तो कंपैशन का मतलब होता है काइंडनेस यानी दयालुता, ठीक है, दया या फिर दयालुता यानी काइंडनेस। यानी कोई इंसान अगर दूसरे के प्रति दया भाव रखे तो उसे हम कंपैशन बोलते हैं। लाइक आई हैव कंपैशन फॉर द पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोगों के प्रति मेरे मन में दया भावना है। तो कंपैशन का मतलब होता है दया भाव। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? तो कंपैशन को हम बोल सकते हैं काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी एंड कॉमिसरेशन, ठीक है, कॉमिसरेशन। तो ये सब चारों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि कंपैशन का मतलब हो जाता है कि दया, और उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? तो काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी एंड कॉमिसरेशन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? सो द कॉन्कर का मतलब हो जाएगा कि अग्री करना यानी सहमति दिखाना किसी के साथ। आई कॉन्कर विद यू, आई कॉन्कर विद योर टॉपिक्स, आई कॉन्कर विद योर पॉइंट्स। मतलब कि मैं आपके पॉइंट्स से क्या करता हूँ? एग्री करता हूँ, सहमत हूँ, सहमति जताता हूँ। तो इसका मतलब हो जाता है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब सहमति जताना या फिर अप्रूव, अग्री, कॉन्सेंट या एंडोर्स। तो अप्रूव का मतलब भी होता है सहमति, एग्री का मतलब भी सहमति, कॉन्सेंट यानी कि परमिशन दे देना एंड एंडोर्स का मतलब भी होता है अपनी सहमति दे देना। सो बेसिकली कॉन्कर का मतलब सहमति देना और इसके जो सिनोनिम बनेंगे अप्रूव, अग्री, कॉन्सेंट एंड एंडोर्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉमोडियस। कॉमोडियस का मतलब क्या होता है? तो कॉमोडियस का मतलब होता है आरामदेह, ठीक है, आरामदेह, जो कि उपयोगी हो, ठीक है। तो कॉमोडियस का मतलब हो जाएगा कन्वीनियंट यानी आरामदायक, आरामदेह, आरामदायक, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम बनेगा यानी पर्यायवाची जो बनेगा, समानार्थी शब्द जो बनेगा, वह होगा सुटेबल। सुटेबल का मतलब भी होता है कि जो उस जगह पे उपयोग किया जा सके, रूमी, कंफर्टेबल। डेफिनेटली आप कंफर्टेबल, सुटेबल एंड कन्वीनियंट जानते होंगे। तो रूमी यहाँ पे एक नया वर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक कॉमोडियस का मतलब होता है रूमी एंड रूमी का मतलब होता है सुटेबल, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल यानी आरामदेह। सो नेक्स्ट वर्ड हम आगे बढ़ते हैं, कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? तो कोलिजन का मतलब होता है टकराव, ठीक है, टकराव। लाइक एटम्स जब कोलिजन जो होता है आपका, इलास्टिक कोलिजन होता है, प्लास्टिक कोलिजन, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होता है, प्लास्टिक कोलिजन होता है, यानी टकराव जो होता है एटम्स का, उसे हम बोलते हैं कोलिजन बोलते हैं। यानी टकराव आप सिंपल समझ सकते हैं, यानी एनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग, ठीक है, एनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग, ये सब कोलिजन के समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम होते हैं। तो कोलिजन का मतलब टकराव और इसके सिनोनिम एनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसेंटिंग होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उस चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है, यानी कि उसको पालन पोषण करना टाइप, या फिर आप बोल सकते हैं उसको बढ़ावा देना सिंपली, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा, समानार्थी शब्द होंगे नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर, इनकरेज। इसमें डेफिनेटली आप इनकरेज और ट्रेजर को जानते होंगे
अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें ध्यान रखना है, नर्चर एंड फॉस्टर, ये नए वर्ड्स हैं, इनको याद रखिए। सो नेक्स्ट वर्ड इज चेस्टाइज। चेस्टाइज, यहाँ पे चेस्टाइज और चास्ट मैंने दोनों इसलिए लिया है कि बिकॉज अगर आप चास्ट याद कर लेंगे चेस्टाइज में कन्फ्यूज हो जाएंगे, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। सो चेस्टाइज का बेसिकली मतलब हो जाता है किसी को सजा देना, यानी कि दंड देना, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम बनते हैं वह बनते हैं पनिश, एडमोनिश, स्कॉल्ड, रिप्रोफ। पनिश करना मतलब भी सजा देना होता है, एडमोनिश मतलब भी सजा देना होता है, स्कॉल्ड एंड रिप्रोफ इन इसके समानार्थी शब्द हैं। डेफिनेटली आपको पनिश का मीनिंग पता होगा तो स्कॉल्ड का मीनिंग पता होगा, लेकिन एडमोनिश एंड रिप्रोफ जो है नए वर्ड्स हैं, जिसका मतलब होता है चास्टाइज, मतलब कि डांटना किसी को, ठीक है, डांटना या फिर सजा देना। ओके, आगे बढ़ेंगे हम अपने वर्ड, नए वर्ड की तरफ। चास्ट, चास्ट का मतलब होता है पवित्र, प्योर, पायस, ठीक है, या फिर इसका सिनोनिम होते हैं प्योर, वर्चुअस, इमेक्युलेट। प्योर, वर्चुअस, इमेक्युलेट आर द सिनोनिम ऑफ चास्ट, यानी कि इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है, चास्ट के। चास्ट का मतलब पवित्र और पर्यायवाची प्योर, वर्चुअस, इमेक्युलेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज सेसेशन। नेक्स्ट वर्ड इज सेसेशन। सेसेशन का मतलब हो जाता है डिसकंटिन्यूटी, यानी कि रुकावट, बीच में जो बाधा बनती है उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी या फिर अवरोध या फिर रुकावट, ठीक है। तो सेसेशन का मतलब होता है पॉज, यानी कि रुकना, डिसकंटिन्यूटी यानी कि जो असततता यानी कि रुकावट या फिर हिंड्रेंस, यहाँ पे बी को एन कर लीजिएगा, यहाँ पे एच आई एन डी आर ए एन सी ई होगा। तो हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, एंड इंटरमिशन मतलब क्या होता है, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी ये चल रही है, बीच में ब्रेक आता है, फिर मूवी स्टार्ट होती है, तो ये जो होता है इंटरमिशन, यानी कि बीच में बाधा यानी कि रुकावट आती है, तो उसे हम बोल सकते हैं सेसेशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, और इसके जो समानार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं डिजास्टर, कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून, मिशेप। डेफिनेटली आप डिजास्टर जानते होंगे, कैलेमिटी और मिसफॉर्च्यून या फिर मिशेप नए वर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, या और उसके सिनोनिम होते हैं डिजास्टर, कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून या फिर मिशेप। बहुत जगह आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कैटेस्ट्रॉफ बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगला वर्ड हम बढ़ते हैं आगे अपने, कैरिकेचर। तो कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, सो कैरिकेचर का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को बढ़ा करके यानी बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट करके बोलना, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा आगे, मतलब जितना है उससे कुछ ज़्यादा ही उसको बढ़ा करके बोल देना, बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी हो कि जो कि थोड़ी सी होती है, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट प्लस माइनस करके उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, बात को बढ़ा देना, ठीक है। लाइक मेकिंग हिल आउट ऑफ द मोल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बढ़ा करके बताना, एग्जेगरेट करना, ठीक है। सो एग्जेगरेट, इमिटेशन, पैरोडी एंड रेडिकुल, ये जो होते हैं सिनोनिम होते हैं कैरिकेचर के, और कैरिकेचर का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो आपको ध्यान रखना है इसमें सारे के सारे वर्ड्स जो है अच्छे हैं, कैरिकेचर, रेडिकल, पैरोडी, इमिटेशन, एग्जेगरेशन, तो ये सारे वर्ड्स को ध्यान रखना है। तो आई होप जो वर्ड्स मैंने आज बताए हुए हैं 10 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, और सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।